वेलकम बैक टू लर्न विद परी। मैं हूँ परी। और फ्रेंड्स, मेरे ना बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स मुझे सजेस्ट कर रहे थे कि परी तुम ना 24 आवर्स 100 रुपीज़ में रहो, 24 आवर्स लिविंग इन 100 रुपीज़। तो फिर मैंने सोचा कि 100 रुपीज़ तो बहुत ईजी है, तो फिर मैंने सोची थोड़ा सा और डिफ़िकल्ट करते हैं। तो फिर मेरे पापा ने मुझे एक आइडिया सजेस्ट की कि परी तुम 24 आवर्स 55 रुपीज़ में रहो। आपको क्या लगता है मैं रह पाऊँगी 55 रुपीज़ में? नहीं, मैं ना ऑलरेडी प्लान कर चुकी हूँ कि मैं क्या क्या खाऊँगी। तो फिर और आपको अगर जानना है कि मैं क्या क्या खाऊँगी और कैसे करूँगी, तो फिर उसके लिए तो आपको वीडियो एंड तक देखना होगा। पापा, मेरे पैसे इतना इतना चाहिए मुझे। ये थैंक यू। तो फिर ये है 5 रुपीज़ और ये है 50 रुपीज़। चलो, और मैं अपने बैग में अपना छोटा सा पानी बोतल रखी हूँ। पानी के लिए मैं पैसा नहीं दूंगी पापा। ओके, ठीक है। तो फिर अभी सुबह के 8 बजे हैं और चलो देखते हैं ब्रेकफास्ट में क्या मिलता है। चलो चलो भाई, चलो चलो। ये बहुत धूप रहा है, तो फिर चलो मैं अपना पैसे अपने बैग में रख लेती हूँ। पैसा अपने बैग में रख लेती हूँ तो फिर घूम नहीं होगा ना, मेरे हाथ से छूट जाता है ये। मेरा सामने पॉकेट पूरी तरह से खाली है। अच्छा, हाँ। तो फिर अभी मैं जा रही हूँ पापा के साथ ब्रेकफास्ट करने और देखते हैं ब्रेकफास्ट में क्या मिलता है। और मुझे स्टार्टिंग में थोड़ा सा प्यास लग रही है, तो फिर चलो मैं थोड़ा सा पानी पी लेती हूँ। अब बहुत धूप है तो फिर गला जल्दी सूख जा रहा है। तो फिर मैं सोच रही हूँ कि मैं सुबह को इडली खाऊंगी। अंकल, एक प्लेट कितना का होता है? एक प्लेट 10 रुपए का होता है और एक प्लेट में 4 इडली आता है, तो फिर आप हाफ प्लेट दे सकते हो? दे देंगे। ठीक है, तो फिर अभी क्या बन रहा है? ठीक है। A few minutes later. हो गया? Thank you. दो इडली हाफ प्लेट। तो फिर दो इडली 5 रुपए, मेरा 5 रुपए अभी गया। तो फिर चलो खाते हैं, देखते हैं कैसा है। यम्मी, थोड़ा सा गिर गया। ब्रेकफास्ट हो गया और अभी मैं अंकल को उनका पैसा दे देती हूँ, पैसे दे देती हूँ उनको। से ये रहा 5 रुपये, 5 रुपये। अंकल थैंक यू, बहुत यम्मी था खाना। वैसे मैं फिर आऊँगी, अभी जाती हूँ। हाँ, चलो। तो फिर अभी मेरा ब्रेकफास्ट हो गया, अभी मैं घर में थोड़ा सा रेस्ट करूँगी। अभी लंच में क्या खाऊँगी, कहाँ खाऊँगी, सोचना पड़ेगा। तो फिर मिलते हैं आपको लंच में। अभी लंच टाइम है और मुझे लगता है यहाँ कुछ मिलेगा खाने के लिए। और अभी तो बहुत गर्मी हो रही है, तो मैं चाहती हूँ कि मुझे ये दही पखाल मिले। चलो देखते हैं क्या मिलता है। भैया, ये खाने में दही पक्का हाल है क्या? हाँ है, मिलेगा। अच्छा, तो फिर कितने का है? हाफ प्लेट मिलेगा? मिलेगा। ठीक है, फिर हाफ प्लेट कर लेना मेरे लिए। ठीक है, 25 है ना? ठीक है, तो फिर मैं आपको बोल देती हूँ कि मैं लंच में क्या खा रही हूँ। मैं खा रही हूँ ये दही पखाल। ये उड़ीसा में ना बहुत फेमस डिश है ये दही पखाल, और इसको गर्मी में खाने में बहुत अच्छा लगता है। तो फिर अभी बहुत धूप भी हो रही है, तो मैं दही पखाल खा रही हूँ। और ये है बड़ी चूड़ा और ये है आलू भजा।
में से किन किन को पखार भात के बारे में पता है कमेंट करके जरूर बताना। अगर नहीं पता तो फिर गूगलिंग करके पता कर लेना। गूगल माता को तो सब पता होता है। बात तो सही है। थोड़ा सा पानी। हो गया। तो फिर अभी मेरा अभी मेरा लंच हो गया है। हाँ 50 पीस पीस ये रहा। आपका खाना बहुत यम्मी था। वैसे आपका नाम क्या है? समीर। अच्छा समीर है। ये लीजिए आपका पैसा 50 रुपीस। ठीक है तो फिर अभी मेरे पास बचे हैं 25 रुपीस। अभी इससे मुझे डिनर भी खाना है, स्नैक्स भी खाना है और आइसक्रीम भी खाना है। क्या लगता है आपको हो पाएगा? वो तो मुझे भी नहीं पता। बहुत गर्मी है रे पापा। पापा जल्दी चलो। एक मिनट। हाँ चलो। तो वह अभी इवनिंग हो गया है और अभी मैं सोच रही हूँ मैं शाम को गर्मा गर्म चावल वड़ा खाऊंगी। तो ये अंकल चावल वड़ा बना रहे हैं। मैं अभी अपना होम टाउन बलांगीर में हूँ। इधर का फेमस होता है चावल वड़ा। तो फिर अंकल एक प्लेट कितने का होता है चावल वड़ा का? 10 रुपए का। तो फिर हाफ प्लेट मिलेगा? मिलेगा। ठीक है हाफ प्लेट दे दो। थैंक यू। ओके गरम है बहुत। फ्रेंड्स जब भी आप लोग वेस्टर्न से आओगे ना जैसे बलांगीर सोमपुर तो फिर ये चावल वड़ा जरूर ट्राई करना। बहुत यम्मी लगता है। मैं उनको 5 रुपए दे रही हूँ क्योंकि मैं 5 रुपए का चावल वड़ा खा ली। ये मेरा 5 रुपए गया। तो फिर अभी आई होप सो मुझे आई होप सो मुझे मेरे डिनर में अभी मेरे पास 20 रुपए है। तो आई होप सो पता नहीं मुझे आइसक्रीम खाने के लिए पैसे बचेंगे कि नहीं क्योंकि मुझे आइसक्रीम खाना भी थोड़ा है क्योंकि यहाँ बहुत गर्मी हो रही है। ये रहा नहीं जाता। तड़प ही ऐसी है ना। पैसे चावल वड़ा बहुत अच्छा था। तो फिर अभी डिनर खाने का टाइम आ गया है। तो फिर अभी मैं डिनर करूँगी अपना और मैं इस रेस्टोरेंट में करूँगी होटल में करूँगी। तो फिर देखते हैं यहाँ प्राइस कितना होता है। देखते हैं मुझे ऐसे ज़्यादा भूख नहीं लग रही है लेकिन देख ये रोटी कहते हैं बूटे के 5 टुकड़ा और सब्जी कहते सीसी। तो फिर गुटे रोटी 5 टुकड़ा और सब्जी हाफ 10 टुकड़ा एक रोटी और क्वार्टर मतलब हाफ सब्जी। ठीक चल। A few moments later. ठीक है तो मामा रोटी और सब्जी आ गया। रोटी ये रहा हमारा रोटी और ये है मिक्स वेज सब्जी। चलो रोटी गर्म है काफ़ी। हो गया
कोई रेस्टोरेंट या फिर कोई होटल जाओगे ना खाने के लिए, तो फिर उधर ना खाना पूरा क्लीन से क्लीनली खाना, जैसे मेरे दोनों प्लेट्स पूरी तरह से क्लीन है, प्लेट और बाउल क्लीन है, तो फिर खाना को खाना वेस्ट नहीं होगा, और वैसे भी खाना वेस्ट करना भी अच्छा नहीं होता। बहुत सारे लोग हैं जिनको खाना मिलता नहीं है फ्रेंड्स, इसलिए कभी खाना को वेस्ट नहीं करना, और खाने के अंदर लक्ष्मी माँ भी होता है। फिर यहाँ लिखा है कि अपना प्लेट खुद जाकर जगह में रखिए अपना, तो फिर चलो रख लेते हैं। बाहर यहाँ नहीं, हाँ हो गया। आंटी ये लीजिए आपके पास, खाना बहुत अच्छा था वैसे, थैंक यू। अभी मेरे पास 5 रुपए है, तो मैं एक आइसक्रीम ले लूँगी डेजर्ट के हिसाब से, तो आधी और मैं खाएंगे उसको। अभी कुछ पैसा थोड़ा बचा है तो फिर खाएंगे, चलो ठीक है, फिर मैं आऊँगी खाने के लिए, बाय। चलो अंकल, ये आइसक्रीम है क्या? 5 रुपए वाला है? 5 रुपए वाला नहीं है। फिर ये क्या होता है? ये कितने का होता है? 5 का है। ठीक है, इसको एक दे दीजिए। पता है मैं आज ना पूरा दिन 55 रुपीज़ में मैनेज कर ली। और हाँ फ्रेंड्स, आप ना कमेंट करके बताना कि मैंने आज पूरा दिन क्या क्या खाई, और वो जो भी खाई मैं उसका प्राइस भी, ठीक है। देखते हैं कौन कौन ये वीडियो को फुल देखा है, ठीक है। सो फ्रेंड्स, आपको आज का वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो फिर लाइक शेयर, और अगर आप इस चैनल में नहीं हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना, और हाँ बेल नोटिफिकेशन भी क्लिक कर लेना, ठीक है। तो फिर आप मेरे न्यू वीडियोस पहले देखोगे, ठीक है, और आपके पास एक नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, तब तक के लिए बाय।